हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, मॉर्निंग का सुबह का टाइम था, नहा धो के सब कुछ हो गया था मतलब। तो अभी ना ये जो कल सब्जी आपने देखी होगी, तो ये पूरे सूख गए हैं। ये पत्ते वाला साग है मतलब प्याज वाला। तो ये ना देखिए, जो जो मतलब अच्छा है उसे मैं काट लूँगी, और जो जो थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो उसे मैं मतलब छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर ये ना ख़राब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सूख जाने के बाद उसका मतलब साग है ना थोड़ा सा टाइट बन जाता है, और जैसे हम ताज़ा बनाते हैं ना तो वो अच्छा बन लगता है। तो ये क्या कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ला दिए थे, तो मैं तो लगातार रोज़ ही बना रही हूँ, तो जितने अच्छे थे। और अभी भी देखिए कुछ कुछ सब्जियाँ मेरी मतलब नहीं बना पा रही हूँ, और कुछ कुछ मैं अपना कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जो अच्छा था वही मैं आलू की भुजिया मैंने काट लिया था, और ये पत्ते वाला प्याज का जितना अच्छा साग निकला उतना मैंने काट लिया, जो ख़राब निकला वो साइड कर दिया मैंने। और ये ना थोड़ा सा मतलब लहसुन दिखा रही थी, तो वो थोड़ा सा लहसुन था, तो वो मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि वो कल काम आ जाएंगे। तो जो जो ठीक ठाक हो गया मैंने करके रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, और दाल मेरी उबल चुकी थी, और चावल मैंने साइड में रखा है। तो अभी चावल बना नहीं है, गैस ऑफ है, तो वो मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगी, कि आज संडे है। संडे मतलब 20 तारीख संडे का मॉर्निंग का है ये ब्लॉग। तो यहाँ पे ना देखिए, मैं हरी मिर्च और प्याज काट रही थी, तो छील के तो मैंने प्याज रख लिया था, बस इस वक्त में मतलब वो जो पत्ते वाला प्याज का जो साग का जो प्याज होता है ना, वही वाला मैं काट के डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि वो भी मतलब अच्छा ही लगता है, तो इस टाइम वही वाला मैंने डाल दिया था। तो वो नहीं तो एक दिन और रह जाता ना तो साग ना पूरा सूख जाता, तो इसीलिए जितना काफ़ी निकल गए थे तब भी। तो ये आलू की भुजिया में डाल के बनाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आज संडे है तो मैं यही बना देती हूँ, वैसे तो कुछ अलग ही बनता, लेकिन इतनी सारी सब्जियाँ आप देख ही रहते, सारे बर्बाद हो जाते, तो वो मतलब अभी तो मैं ये बना दूंगी, और जो बाकी की सब्जियाँ जो मैंने साइड में रखी है ना वो मैं कल काम आ जाएगा, कल भी काम आ जाएगा और परसों भी काम आ जाएगा। बहुत सारी सब्जियाँ है, केला है, सेम है, बैंगन है। तो अभी मैं आलू की भुजिया ही बना देती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो शाम को कुछ अलग ही बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने आलू की भुजिया में ये साग प्याज वाले साग को डाल के बना दिया है, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना इसमें मतलब मतलब साग भी डाल दिया है, तो ये आलू के साथ ही गल जाएंगे, और इसमें मैंने प्याज नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद ये देखिए साग बन के तैयार हो गया था। तो इस तो यहाँ पे ना मैं बेसन था, ये बेसन का पैकेट दिखा रही है, तो वो बैंगन ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही था, तो वो सब्जी में उतना नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि अभी 10:30 हो चुके हैं, तो अभी खाने में 1 घंटा और टाइम है। तो ये लोग बोल रहे थे ना तो पकौड़ी बनाने के लिए, तो मैं जल्दी से फटाफट से एक ठो बैंगन काट दिया था मैंने, तो इसका बैंगनी बन जाएगा, और थोड़े से आलू प्याज छोटे छोटे पीस में मैंने काट के रख दिए थे, तो उसका आलू प्याज का पकौड़ी बन जाएगा। तो ये दो तरह के पकौड़े हो जाएंगे, और आलू की भुजिया और चावल और दाल, तो यही हमारा लंच हो जाएगा सुबह का। तो ये देखिए अभी मैं बैंगन को कट कर लिया है, ये बैंगन है ना बहुत मतलब कट नहीं रहे थे, काफ़ी सूख भी गए थे और पतले भी थे, जो बड़े वाले बैंगन होते हैं तो वो आसानी से कट जाते हैं, और इनमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, गोल गोल काटूंगी ना तो छोटा छोटा होगा, तो इसलिए मैंने लंबा लंबा करके काटा था। ये देखिए तो ये एक बैंगन ही था, तो इसे मैंने काफ़ी पतला करके, और ये बेसन का जो घोल है ना इसे थोड़ा मोटा ही रखा है, क्योंकि पतले घोल में ना वो पकौड़ी अच्छे से बन नहीं पाता। तो यहाँ पे आलू प्याज का भी पकौड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया तलना, तो ये चावल दाल के साथ ना काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और अभी ठंड का सीज़न है ना, तो ठंड में तो ये सब मतलब खाना ठीक ही लगता है, और ये ऑयली ज़्यादा ऑयली नहीं हम लोग खाते हैं अभी, लेकिन आज ना थोड़ा मतलब ठंड ज़्यादा है, ठंड में खा सकते हैं, ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और तेल को ना देखिए, पूरा तेल को मैंने अच्छे से निकाल दिया है, इसमें कुछ भी तेल वगैरह कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। और उसके बाद देखिए अभी पकौड़ी वकौड़ी मेरा बन चुका था, तो ये भी, और चावल भी देखिए मैंने जस्ट ही बनाया था पकौड़ी बनाने से 5 मिनट पहले, तो ये मतलब गरम गरम चावल है और दाल है, और ये देखिए 2 तरह के पकौड़े हैं, और आलू की भुजिया है, साग वाला प्याज वाला प्याज की साग वाला मतलब
वही, और खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो ये मैंने एक एक करके सभी को अभी लंच खाना मतलब दे देती हूँ। और अभी ना 4:30 बजे है, 4 नहीं मतलब 4 बजे तो मेरा काम फिनिश करके मुझे कहीं जाना है। तो अभी देखिए तो यहाँ पे ना मैं आपको चूहा दिखा रही थी, तो ये चूहा फंस नहीं रहा था आज है ना, मैंने ठीक से लगाया ना तो ये छोटा सा चूहा फंसा इसमें, तो काफ़ी आवाज़ कर रहा था, चू चू की आवाज़ें कर रहा था। और बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हमारे घर में, इतना ज़्यादा चूहा हो गया ना तो मैं इसे बुगला रही थी तो ये ऊपर आ रहा था थोड़ा सा। तो ये देखिए अभी ऊपर आया था थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने ना शाम का टाइम हो गया था, मैंने बताया ना 3:30 बजे मैं सो के उठती हूँ, ये उसी समय का टाइम था। तो अभी मैंने ना प्याज अदरक लहसुन को कट कर लिया है, और एक टमाटर लिया था, और वो सब है ना इसी में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये ना पनीर की सब्जी बनेगी। तो ये देखिए सभी चीज़ मैंने डाल दिया है, और ये इसमें काजू भी डाल दिया है, तो ये सब अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए चूहा अभी भी ऊपर आ रहा है। तो फिर वो मसाले मैंने मतलब प्याज अदरक लहसुन टमाटर काजू ये सब डाल के फ्राई कर लिए थे, और यहाँ पे ना पनीर कट करके मैंने रखा है। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसीलिए। तो ये अभी ना घर में ना शादी वगैरह पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केटिंग करना है मुझे। और ये संडे को या ही ठीक रहता है क्योंकि मेरा बेटा फ्री रहता है, तो मैं उसी दिन चली जाती हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना पनीर इसमें डाल दिया था, फ्राई कर लिया था, और पेस्ट बना के रख दिया था प्याज अदरक लहसुन का। और उसके बाद यहाँ पे ना जो भी खड़े सूखे मसाले जो होते हैं ना, तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देती हूँ। हल्दी मिर्च पाउडर नमक वगैरह जो भी हो, गरम मसाला, सारे मसाले ऐड कर दिए थे मैंने उसमें। और तो ये देखिए थोड़ा सा लास्ट में ना मैंने थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा चीनी डालने से ना मिठास जैसा हो जाता है। और ये अभी ऊपर से मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, और पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही फ्राई किया, बस तेल में डाला है और 2 मिनट बाद में ही निकाल लिया था। और ये देखिए मसाले को और पनीर देखिए ज़्यादा, फिर इस टाइम मसाला भून गया था, तो मैं इस मसाला तो एक बार देखिए पनीर की सब्जी में ज़्यादा मतलब भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार तो हम उसे फ्राई करके मसाले को वो भून के पीस ही लिए था, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, फटाफट से बन जाता है। और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें दूध और मलाई रखा हुआ था, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और ये कसूरी मेथी है हरी वाली, तो इसे भी हाथों से क्रश करके ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और ये कसूरी मेथी का ना स्वाद अच्छा लगता है पनीर की सब्जी में, आलू दम जो बनाते हैं ना छोटे वाले आलू, सब में डाल सकते हैं, इसका स्वादिष्ट बन जाते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने आटा लगाया था ना, तो इसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया है, और थोड़ा सा मतलब अजवाइन और कलौजी भी डाल दिया था, और मोन डाल के अच्छा से मतलब आटा लगा के मैंने रख दिया। और चाय का टाइम हो गया था, तो चाय भी बन रहा है हमारा, और पनीर की सब्जी बन चुकी है।